दोस्तों नमस्कार। आज हमने हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट लिया है और उन्होंने क्या पूछा है, ये है IMS103CP और इन्होंने पूछा है, सर मेरे घर के पास एक स्ट्रे डॉग है। बहुत अच्छा, आपने स्ट्रे डॉग की सुनी, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रे डॉग है, उसके नेक पे बहुत गहरा घाव लग गया है, तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके बता दीजिए कि मैं क्या करूं। अभी तो मैं उसको दर्द के लिए पेन किलर दिया हूं, पर वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। देखिए घाव जो हुआ है, पहले तो आप ये पता करें कि आखिर घाव का कारण क्या है, क्या कोई क्रोनिक घाव है या एक्यूट घाव है, उसको पता कर दीजिए। इसके बाद जो आपको काम करना है, प्लीज़ उसकी आप बीटाडीन से ड्रेसिंग कर दीजिए। स्ट्रे डॉग है, अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है आपको, मतलब पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप ऊपर से ही बीटाडीन उसके ऊपर डाल सकते हैं। यानी पहला काम आप कीजिए लिक्विड बीटाडीन। तो बीटाडीन नज़दीक में हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाती है। पोविडोन आयोडीन का जो लिक्विड है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सब जगह मिल जाता है। तो आप पोविडोन आयोडीन उसके ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई स्प्रे ला सके, जैसे एक स्प्रे आता है जिसमें कीड़े वगैरह जो पड़ जाते हैं ना, उनका भी डाउट नहीं रहता, और वो आता है डी मेक के नाम से। तो अगर आपको डी मेक स्प्रे मिल जाए तो ये ले आइएगा, बहुत ही अच्छा है डॉग्स के लिए, कीड़े वगैरह भी नहीं पड़ेंगे। तो पोविडोन आयोडीन से ड्रेसिंग करके और डी मेक आप लगा दें। अगर इजीली वो हैंडलिंग हो रहा है तो अच्छी तरीके से आप बैंडेज वगैरह यूज़ करके कर लीजिएगा, अदरवाइज ऊपर से डाल दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डी मेक स्प्रे आप यूज़ कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप ये नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट जो अपना घरेलू तरीका है उसके लिए आप सरसों का तेल, हल्दी और थोड़ा सा उसमें कपूर मिलाइए। क्या करेंगे आप, मतलब अगर देसी की बात करें तो देसी में क्या करेंगे आप, थोड़ा सा लीजिए सरसों का तेल पेस्ट बनने जैसा, ठीक है। तो सरसों का तेल आप ले लीजिए थोड़ा सा, थोड़ी सी ले लीजिए हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है उसे आप ले लीजिए, और थोड़ा सा आप उसमें एक टिकिया नहीं आधी टिकिया ही कपूर की पीस करके और डाल दीजिए। तो कपूर जो आरती कपूर आता है ना, ये क्या है, चाटेगा तो भी नुकसान नहीं करेगा, आरती कपूर। तो थोड़ी सी सुगंध आप आरती कपूर की कर दीजिए, और ये जो मैंने देसी इलाज आपको बताया है वो भी आप अगर कर सके तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा नज़दीक में कोई पशु चिकित्सक की सुविधा है तो उनकी सलाह से आप कुछ टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने हमें बताया कि हम पेन किलर दे रहे हैं, सबसे बेस्ट यहाँ पर जो पेन किलर होगा वो आपके टेबलेट आती है एक नाइस के नाम से, नाइस जो कि नेमोसिलाइड की 100 mg की टेबलेट आती है। उसे आप वज़न के हिसाब से, अगर 20 किलो से ऊपर है तो पूरा 100 mg दे दीजिए, अगर कम है तो आधी दे दीजिए, 50 mg दे दीजिए, ये बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा पशु चिकित्सक की सलाह से ही आप एंटीबायोटिक टेबलेट भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉक्सिकाइंड CV आती है, मान लीजिए वेटनरी की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मॉक्सिकाइंड पेट वगैरह, तो वो नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप मॉक्सिकाइंड CV किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, वो आप ला करके मॉक्सिकाइंड CV यानी मॉक्सिक्लेव की आती है, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कितना देंगे, देखिए अगर छोटा है 20 किलो से छोटा तो 375 mg की आती है, जो OD दे सकते हैं आप, 375 mg OD दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए जो स्ट्रीट डॉग है वो 20 किलो से ऊपर है तो ऐसी कंडीशन में आप 625 mg भी यूज़ कर सकते हैं। यानी ये दो प्रकार से आती हैं, तो वो आप वज़न देख करके और कर लीजिएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो स्ट्रीट डॉग की मदद की, और मैं भी पूरा प्रयासरत हूँ कि आप लोगों की मदद कर सकूँ, ताकि आप आगे से आगे जो स्ट्रीट डॉग है उनकी मदद कर सकें।